सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बीजेपी नेता जवाहर यादव से भी एमएचपी न्यूज के ब्यूरो हेड चंद्रशेखर धरनी ने खास बातचीत की। हरियाणा बीजेपी के मीडिया प्रमुख जवाहर यादव हमारे साथ मौजूद हैं। जवाहर जी, जिस प्रकार आप दावे पहले दिन से कर रहे थे कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे, सेंटर में 300 से ऊपर सीटें आएंगी, ये दावे किस आधार पर थे जो सत्य साबित हुए? देखिए, इन दावों का आधार ये था कि मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री, अगर देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से ऐसी नीतियां कर रहे थे जो वंचितों के लिए काम करी थी, जिसमें समाज के सभी अंग आते थे, चाहे गरीब है, चाहे मध्यम वर्ग है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापार करने वाला है और चाहे युवा है, इन सबको लेकर जिस तरह से और देश के विषय को लेकर जिस गंभीरता से विश्व के पटल पर जो नाम भारत ने कमाया उसका आधार, और हरियाणा में मुख्यमंत्री की जो नीतियां थी जिसमें पर्ची और खर्ची बंद हुई और पारदर्शिता शासन में आई, उन सबका आधार था। और इसलिए जब भी हमारी आपकी बात होती थी यही फिगर हम बताते थे और हरियाणा में 10 की 10 आएगी, ये चमत्कार मोदी जी और मनोहर जी के नेतृत्व ने करके दिखाया है। 10 की 10 लोकसभा हरियाणा की बहुत अच्छे मार्जिन से आई है, इसमें अब केंद्र में क्या हरियाणा का जो है हिस्सा देखते हैं, कितने मंत्री हरियाणा के देखते हैं? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो मंत्रिमंडल में किसके लेते हैं, इसलिए उनका विषय है। जो भी होगा, हरियाणा की चिंता उन्होंने पिछली बार भी की थी, इस बार भी निश्चित रूप से करेंगे। हरियाणा से प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव बिल्कुल दस्तक दे रहे हैं, विधानसभा चुनावों को लेकर किन मुद्दों पर अब बीजेपी मंथन करेगी, किन मुद्दों को लेकर जनता में जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मनोहर जी की जितनी भी नीतियां है, मैं इस जीत में जो मेन ट्रिपल एम का योगदान देता हूं, जिसमें मोदी, मनोहर और मेरिट के आधार पर, चाहे नौकरियां लगने का विषय हो, मेरिट के आधार पर चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स बनने का विषय हो, मेरिट का मतलब पारदर्शिता और योग्यता, उसके आधार पर जो पूरे हरियाणा में बदलाव हुआ है, कोई भेदभाव नहीं है, 22 के 22 जिलों में जहां जो आवश्यकता है वो कार्य किए, वो हमारा सबसे बड़ा कारण है कि मनोहर सरकार भी लगभग 70 से अधिक सीटों के साथ पुनः वापस आएगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है और हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार से बड़ी विकटें लुटकी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे हैं, दीपेंद्र हुड्डा हारे हैं, श्रुति हारी हैं और कई चेहरे बड़े लुटके हैं, अशोक तंवर हारे हैं, देखिए ये तो हम कह रहे थे कि ये वाला समय ये है, ये परिवारवाद और वंशवाद के खात्मे का विषय है, तो इसमें ये पूरे देश में परिवर्तन होने, केवल ये नहीं आ रहे, वहाँ चौधरी चरण सिंह का परिवार, चाहे अजीत सिंह हो, चाहे उनका बेटा है, वो भी आ रहा है, मुलायम का परिवार भी आ रहा है, लालू का परिवार भी आ रहा है, तो पूरे देश में जो परिवारवाद की राजनीति है वो खात्मे की तरफ है और वो खत्म की है इस बार लोकसभा चुनाव में, देश के सभी लोगों ने जातिवाद सत्यवाद सब छोड़कर केवल देश हित को ध्यान में रखते हुए काम किया। तो ये हैं जवाहर यादव जो कि कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां बीजेपी करेगी और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये ट्रिपल एम का कमाल है, जो ट्रिपल एम का मतलब मोदी, मनोहर और मेरिट, तीनों को श्रेय दे रहे हैं जो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जीती हैं। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।